तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो मेरी तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आप लोगों ने एक बात नोटिस की है कि जब आप लोग पहले के टाइम पर फ्री फायर खेलते थे उस टाइम पर आप लोगों को बहुत मज़ा आता था, लेकिन अभी के टाइम पर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तब आपको मज़ा नहीं आता, यानी पहले जैसा मज़ा नहीं आता है। अब कहीं देखो मज़ा क्यों नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों का मोबाइल वो लैग करता है, या फिर आप लोगों को नेटवर्क इशू आते हैं, या फिर आपको ढेर सारी प्रॉब्लम आती हैं जिससे कि आप लोग सही वाला या फिर बेस्ट वाला गेम प्ले नहीं कर पाते हो। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि अगर आपके मोबाइल का रैम 2 GB से लेकर 12 GB तक है, तब गाइस आप लोगों को किस सेटिंग या फिर किस सेंसिटिविटी पे या फिर किस ग्राफिक्स पे खेलना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का गेम प्ले एकदम औसम वाला हो और आप लोगों को लैग प्रॉब्लम भी ना आए या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी ना आए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आप लोगों को जो अपना फ्री फायर है वो ओपन कर लेना। अब गाइस देखो यहां पर मैं जो जो सेटिंग आप लोगों को बताता हूं वैसा वैसा आप लोगों को करना है। तो देखो जब भी आप लोग गेम खेलते हो उस टाइम पर गाइस आप लोगों को हमेशा दो काम करने हैं। पहला तो गाइस आप लोगों का क्लियर कैच है और दूसरा गाइस आप लोगों का सेंड रिपोर्ट। अब गाइस देखो जब भी आप लोग गेम स्टार्ट करते हो उससे पहले आप लोग हमेशा क्लियर कैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे क्लियर कैच कर दिया करो। देन उसके बाद गाइस सेकंड नंबर पर है आप लोगों का सेंड रिपोर्ट, तो इस गेम खेलने से पहले सेंड रिपोर्ट पर भी क्लिक कर दिया करो। यानी आप लोगों के गेम में कोई बग्स होंगे या फिर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं आप लोगों का लैग करता है तो ये थोड़ा बहुत रिलीफ आपको देगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकंड सेटिंग के बारे में। तो गाइस आप लोगों को फ्री फायर की जो सेटिंग होती है उसके अंदर आप लोगों को नीचे नीचे एक साइड जाना है, वहां पर आप लोगों का लिखा होता है FF मैक्स। अब गाइस जैसे ही आप लोग FF मैक्स पर क्लिक करोगे तो वहां पर होता है HD टेक्सचर। तो गाइस ये बहुत सारे बंदों का ऑफ होता है, अदरवाइज आप लोगों का ये ऑफ होगा तो आप लोगों का फ्री फायर मैक्स जो है वो लैग करेगा, लेकिन अगर आप लोग इसे ऑन करके रखते हो तो आप लोगों का फ्री फायर मैक्स लैग नहीं करेगा। आज जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं जाके एक बार चेक कर लेना कि आप लोगों का जो HD टेक्सचर है वो ऑफ है या ऑन है। अगर आप लोगों का ऑफ हो तो सिंपली उसे ऑन कर देना। तो चलो भाई अभी हम बात करने वाले सेकंड सेटिंग के बारे में कि आप लोगों की जो नेक्स्ट सेटिंग है वो क्या होने वाली। तो भाई आप लोगों को सिंपली डिस्प्ले के अंदर आना है। अब भाई देखो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल का रैम 2 GB या फिर 3 GB है तब आपको किस ग्राफिक्स पे खेलना है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको 4 ग्राफिक्स कार्ड मिलेंगे, यानी आप लोगों का स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा और चौथा है गाइस आप लोगों का मैक्स। अब भाई देखो आप लोगों को इन तीन में से ही खेलना है। तीन कौन कौन से गाइस वो आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा, यानी आप लोगों को कभी भी मैक्स पर नहीं खेलना है। अब मैक्स पर खेलने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ वो भी गाइस आप लोगों को आगे इस वीडियो में पता चल जाए। तो कहीं देखो अगर आप लोगों के पास 2 GB से लेकर 3 GB रैम तक का मोबाइल है तो कहीं देखो आप लोगों को हमेशा स्मूथ पे खेलना है। स्मूथ पे खेलने के बाद कहीं यहाँ पर नीचे एक साइड और होता है हाई FPS। अब आप लोगों को हाई FPS है नॉर्मल करना है या फिर हाई करना है, इन दोनों को कहीं यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। तो कहीं देखो अगर आप लोगों का मोबाइल अच्छी कंडीशन में या फिर आप लोगों ने न्यू लिया है तो उस टाइम पर तो आप लोग इसे हाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों का मोबाइल 2 GB से लेकर 3 GB तक है और उस टाइम पर आप लोगों का मोबाइल बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो यहाँ पर सिंपली इसे नॉर्मली रहने देना, क्योंकि भाई अभी के टाइम पर फ्री फायर की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो भाई आप लोग अगर 2 GB या फिर 3 GB में खेलते हो तो उस टाइम पर आप लोगों को हाई FPS पे नॉर्मली करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल का रैम 4 GB है फिर 6 GB है तब आपको गई यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर देना है। अब देखो स्टैंडर्ड पे आप लोग कर तो लेते हो लेकिन उस टाइम पे भी आप लोगों का लैग करता है। अब देखो आपका लैग क्यों करता है, क्योंकि जो आपका हाई FPS होता ना वो हाई रहता है। तो भाई आप लोगों हाई से हटा के सिंपली आपको नॉर्मल पर कर देना अगर आप लोगों के मोबाइल का रैम 4 GB या फिर 6 GB है और भाई अगर आप लोगों का मोबाइल लैग करता है तो, अदरवाइज आप लोगों का लैग नहीं करता है तो भाई हाई FPS को हाई ही रहने देना। तो चलो भाई अभी हम बात करने वाले नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो भाई नेक्स्ट सेटिंग है वो है गाइस आप लोगों की अल्ट्रा। अब देखो अल्ट्रा पे वो लोग खेलते हैं जिनके मोबाइल का रैम 8 GB या फिर 12 GB है। तो भाई आप लोगों को देखो इसमें सेटिंग क्या करनी है कि जो आप लोगों का हाई रेशियो होता है उससे सिंपली आप लोगों को हाई कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो हाई FPS होता है उसको भी आप लोगों को हाई कर देना है। लेकिन अगर आप लोगों का 8 GB रैम मोबाइल है उसके बावजूद भी गाइस आप लोगों का लैग करता है तो हाई FPS जो होता है ना उसे हाई से हटा के सिंपली आप लोगों को नॉर्मल पे कर देना है। जो सबसे लास्ट में आता है वो होता है आप लोगों का मैक्स। अब कहीं देखो यहाँ पर आप लोगों को अल्ट्रा में खेलना चाहिए या फिर मैक्स में खेलना चाहिए, तो कहीं देखो मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को अल्ट्रा में खेलना चाहिए। अब अल्ट्रा में क्यों खेलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से फ्री फायर ही खेलते आ रहे थे और अभी के टाइम पर आ गया है आपका फ्री फायर मैक्स। अब फ्री फायर मैक्स में क्या होता है कि आप लोगों का साउंड आएगा, आपकी गन का साउंड आएगा, आप कोई एनिमी डाउन करोगे उसका साउंड आएगा, ग्लू बॉल लगाओगे उसका साउंड आएगा, मेडिकेट का साउंड आएगा, मतलब आप लोग साउंड से ही परेशान हो जाओगे। तो भाई आप लोग अगर मैक्स को ना सेलेक्ट करके अल्ट्रा को सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों का एकदम बेस्ट वाला गेम प्ले होगा।
और उसके बाद आप लोगों का आता है फिल्टर। फिल्टर में गाइज आप लोगों को चार ऑप्शन मिलेंगे, क्लासिक, ब्राइट, विविड और ओशियन। अब गाइज देखो आपको इनमें से दो बेस्ट है, कोई से भी रख लेना है, ठीक है। यानी आप लोग चाहो तो ब्राइट पे खेल सकते हो या फिर विविड पे खेल सकते हो। यानी गाइज मेरे को तो दो ही बेस्ट लगते हैं, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इनमें से कौन सा वाला फिल्टर यूज करते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग नीचे एक साइड स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा मिनी मैप। अब मिनी मैप में गाइज आप लोगों को एक तो होता है नॉर्थ अप और दूसरा होता है गाइज आप लोगों का रोटेटिंग। तो गाइज आप लोगों को सिंपली यहाँ पर रोटेटिंग वाला जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना है और उसके बाद सबसे नीचे आओगे तो वहां पर आप लोगों को लिखा होता है गन शॉट अलर्ट। अब देखो गन शॉट अलर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों का ऑफ होगा तब तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि एनिमी की पोजीशन क्या है, पर एनिमी किधर से फायर कर रहा है। लेकिन अगर आप लोगों का गन शॉट अलर्ट ऑन होगा तो एनिमी जैसे ही फायर करेगा आप लोगों को साइन बन के आएगा फ्री फायर के अंदर कि एनिमी ने इधर से फायर किया है। और एक और सबसे मोस्ट सेटिंग ये है कि अगर आप लोगों का मोबाइल लैग करता है या फिर आप लोगों के मोबाइल में रैम रोम कम है या फिर कहीं आप लोगों के मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम आती है या फिर आप लोगों के बनते पैसे नहीं पड़ते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक वाला बटन दबा देना और चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों को ए से लेकर जेड तक सब कुछ यार बच्चे की तरह समझाता हूँ। तो यार थोड़ा सा काम तो आपको बनता है ना कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट है वो दिखाओ। और जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं जान सकते, तो यार सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। देखो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तुम सभी बंदों में से अगर एक एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा तो यार देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यार दबा देना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही बोलूंगा, होप करता हूँ पूरा पूरा सपोर्ट है वो आप लोग दिखाओगे। अगर आप लोग चाहो तो मेरे को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो या फिर मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन याद से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना।